अभी इस वक्त हम मौजूद हैं चेन्नई के सरजमीन पर, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, और यहाँ से समथिंग 47 किलोमीटर एक सहाबी रसूल हज़रत तमीम अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मरकज अनवर है, वहाँ पर जाने का इरादा हमने बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह। जो हाँ, वहाँ जा कर के और एक यूनिक वीडियो आप सबके सामने पेश करने वाले हैं। यकीनन सहाबी रसूल दुनिया में नबी के बाद सबसे अरफ़ व आला दर्जा रखते हैं, तो वहाँ पर अभी हम लोग पहुँच करके फिर दिखाएंगे आपको खूबसूरत और हसीन मंजर इंशाल्लाह। शुरू से आखिर तक वीडियो बने रहिए, पूरा मंजर आपको दिखाएंगे। हाँ, एक चीज़ और मेंशन कर लीजिए, वहाँ पर एक बहुत बड़ा बीच भी है जो कि बहुत मशहूर है, वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। आज हम एक ऐसे सफ़र के बारे में बात करने वाले हैं जो कि भारत के तमिलनाडु के शहर चेन्नई में, और वहाँ से तकरीबन 30 या 47 किलोमीटर दूरी पर एक कोलम शरीफ है, जहाँ पर हज़रत सहाबे रसूल सैयदना तमीम अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मरकज अनवर मौजूद है। हज़रत तमीम अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना शरीफ में पैदा हुए और सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना शरीफ हिजरत करने से पहले मक्का मकर्रमा में ही आपने इस्लाम कबूल कर लिया था। आपका कबीला का नाम अल खजरत था और आप उन 313 सहाबे कराम में से मौजूद थे जो बदर में शामिल थे, गज़वे बदर में हिस्सा लिया। आप रज़ी अल्लाह ताला सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक जिन्नात की दुनिया में 5 साल तक रहे। जिन्नात को इस्लाम की तालीम देने के लिए आपको अल्लाह के रसूल ने वहाँ पर करार फरमाया था। जिन्नात की दुनिया में तशरीफ ले जाने से पहले आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक मुकद्दस अंगूठी तोहफे में दी गई और फरमाया था कि यह क़यामत के दिन उसकी मुकद्दस अंगूठी पर उंगली पर होगी, जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान महशर में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से फैज़याब होंगे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एशिया के तरफ रवाना हुए। सिंध के बादशाही आप रज़ी अल्लाह अन्हु के मुकद्दस पाँव तले ही रही 18 साल तक। उसके बाद पर्दा फरमाने से पहले आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि जनाजे के बाद जिस्म मुबारक को समंदर, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिस्म मुबारक 5 साल समंदर में, और एक रवायत में बताया जाता है कि 30 या 40 साल तक बड़ी बड़ी मछलियों के पहरे में रहा, और आप एक बड़ी मछली आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म मुबारक को कोलम के नवाब वल्लज्जाह शरीफ के साहिल पर ले आई। दूसरी रवायत के मुताबिक सदातुल्लाह खां मोहम्मद ने ख्वाब में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ, फैज़याब हासिल किया, और आपने फरमाया कि कोलम के साहिल पर जाओ और मेरे जिस्म मुबारक को ढूंढ कर दफन करो। जब नवाब साहिल पर पहुंचे तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिस्म मुबारक तरोताज़ा वहां मौजूद था, और जिस्म मुबारक के साथ कुछ दस्तावेजात भी मौजूद थी जो सबूत थी कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु असहाबीय सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो नाज़रीन, उनके हवाले से ये चंद और मुख्तसर बातें जो थी। सुल्तान-ए-हिंद की चौखट पर, सुल्तान-ए-हिंद की चौखट पर, हिजरो अलम अफसाना दर्दो हिजरो अलम, रो रो के सुनाने आया हूँ, रो रो के सुनाने आया हूँ। सुल्तान-ए-हिंद की चौखट पर
چوکھٹ پر سلطان ہند کی چوکھٹ پر تقدیر بنانے آیا سلطان ہند کی چوکھٹ پر افسانہ درد و ہجر و الم افسانہ درد و ہجر و الم رو رو کے سنانے آیا ہوں رو رو کے سنانے آیا ہوں سلطان ہند کی چوکھٹ پر تقدیر بنانے آیا سلطان ہند کی چوکھٹ خواجہ سلطان الہند کی چوکھٹ پر تقدیر